है, ठीक है, उसी शब्द को हम लोग वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। सपोज आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, खेलता हूं, खेलना, ये वर्ब हुआ, ये क्रिया हुआ, ठीक है। इन वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में यू कैन आंसर व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड कंप्लीटेड। एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग इसको और बेहतर समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रश्मि लव्स टू प्ले विद टॉयज, रश्मि लव्स टू प्ले विद टॉयज। आप एक वर्ड याद रखेंगे बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस हो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू पे आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर लव्स नहीं होगा, प्ले यहाँ वर्ब होगा, नो बेटे इट इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि आप यहाँ गौर करो, प्ले ठीक है वर्ब है, प्ले वर्ड जो है वर्ब है, डेफिनेटली ये वर्ब है, बट इसके ठीक पहले टीओ टू का यूज किया गया है ना बेटा। तो ये टीओ टू प्ले जो है ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, क्या हो गया, इन्फिनिटिव। दिस इज नॉट द मेन वर्ब, दिस इज नॉट द मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ओके। द वर्ड लव्स, दिस इज द मेन वर्ब, ओके। सब्जेक्ट, इफ यू क्लासिफाई दिस देन इट विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इज दिस पैटर्न, सब्जेक्ट आफ्टर दैट वर्ब विल बी देयर देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, यू प्लेड द रोल ऑफ अ किंग, व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड, मेक अ क्वेश्चन, व्हाट यू डिड, प्लेड अ रोल, यू गॉट दिस आंसर, ओके। सो प्लेड, दिस इज द वर्ड, दिस इज द वर्ड, अंशु कैमरा के सामने है जी, यानी अंशु यू अंशु अंशु इज द सब्जेक्ट, बोलिए। अरे दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर रूल ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस, ऑलवेज रिमेम्बर, ओके। आई थिंक यहाँ वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको कि प्ले वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब के पहले टू लगा है और ये इन्फिनिटिव हो गया, ना कि मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब लव्स है। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, वी आर प्लानिंग टू विजिट गोवा, वी, व्हाट आर वी प्लानिंग, व्हाट आर वी प्लानिंग, व्हाट आर वी गोइंग टू विजिट गोवा, वी आर प्लानिंग, सो प्लानिंग इज वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, सी इट इज द सब्जेक्ट, हैज लॉस्ट, दिस इज द वर्ब एंड हर गोल्डन नेकलेस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट हैड बीन लिविंग, वर्ब एंड दिस वन ऑब्जेक्ट। अभी की क्लास में सिर्फ आपको इतना समझना है, व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम के करने या होने का पता बताता है, यानी कि उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोगों ने देखा, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स यूजेस, सॉरी टाइम्स, ओके।
वाला लाइन तो ग्रीन वाला से गड़बड़ हो गया, अरे तो मिटता ही है जल्दी, ग्रीन वाला कहते हैं ना, इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड ही कर दिया जाए। पुराना मास्टर गया। गिर में इंक मार्कर पुराना मिल वही गया। अच्छा परमानेंट मार्क करके चढ़ा हो गया है। हाँ सब पुराने एक दे दिया तो सूख जाता जल्दी तो फोन पाता है। मेरी बात तो ग्रीन यूज कम होता है ना, अरे अच्छा थैंक यू सो मच। शांति से पढ़ना बाबू, है स्वस्ति का सम्राट का है खुश हो जी। जरा सा म्यूट करिए सर, पूछे उसको कि वो वाला पार्ट उसको समझ आया। म्यूटे का तो इसे फायदा उठाता, कोई इधर उधर नहीं करना बाबू, शांति से पढ़ते चलना। अनन्या शिवांश बाबू, कैमरा बाबू, कैमरा के सामने आइए। अनन्या, अनन्या कैमरा के सामने आइए। पहले मोबाइल कहते बोले तो आपने ऊपर में वर्ब का जो स्ट्रक्चर वो लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या तो लिखा है? ओडब्ल्यू, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स अदर अदर ओके वर्ड। सर। सर हाँ बाबू सर मैं कोई इंग्लिश में सबसे पहले कब सर, पूछूंगी? क्लास के सर बाद पहले पूछ आपने लीजिएगा। एग्जांपल दिए थे तो वो उसमें फर्स्ट एग्जांपल था रश्मि लव्स हाँ टू प्ले विद टॉयज, तो सर उधर लव्स कैसे आया? तो बेटा, ये इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है ना, कि इंग्लिश का जो भी सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और यहाँ लव्स, देखो लव्स वर्ब का पांचवा रूप है, ओके, वर्ब का वो पांचवा रूप है, मैं अभी आपको और बता रहा हूँ थोड़ा, तो और आपको क्लियर होगा, ओके। और यह वहां प्ले जो है वो वर्ब नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किंतु क्योंकि उसके ठीक पहले टू लगा हुआ है, ठीक है ना। और जब भी किसी वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी यूजेस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको गौर ओके करना, ठीक है बेटा। सर, मेरे को एक डाउट है, वो मैं कब पूछूंगी? क्या बेटा है? डाउट है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के बुक में, तो ये वर्ड तो अच्छा आज ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ दो टाइप है। सर बहुत वैसे साइड प्लीज। वेट बेटा, एक्सलरी वर्ब आपने अच्छा छोड़ा तो लगता है तुम बेटा, लोग भी। सर आपने जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में गैप छोड़ा, हमें भी छोड़ना है। अभी अभी आपको नहीं लिखना है, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, आप सिर्फ मुझे सुनिए और समझिए बेटा पहले, ठीक है ना, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, आप लिखेंगे। अभी हम लोग किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यूसेज, अकॉर्डिंग टू यूसेज, यानी कि मैंने तो लिख लिया अकॉर्डिंग वाटा टू प्रेट यूजेज, लेटर। अकॉर्डिंग टू यूजेज वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब और यू कैन कॉल इट मेन वर्ब, सेकंड वन दैट इज ऑक्सिलियरी वर्ब और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ हेल्पिंग वर्ब, क्लियर है, टू टाइप्स, मेन वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा देखते बेटा, ये मेन वर्ब कौन कौन से होंगे, मेन वर्ब्स प्ले, सर प्रिंसिपल पीएल ही आएगा कि पीएल आएगा?
PAL आएगा, नॉट PLE, ओके? रीड, स्लेप, जैसे डांस, लिखना मीट। अभी आपको सिर्फ समझना बेटा, अभी आपको सिर्फ समझना है, है ठीक क्या है? सर? पर जैसे आपने प्रिंसिपल, मेन वर्ब्स और थोड़ा सा गैप दे के हेल्पिंग वर्ब से लिखा है, तो उसको हमें भी गैप दे के लिखना है ना? बेटा अभी मैं यहाँ और कुछ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना? मैंने इसीलिए गैप रखा है, ठीक है? आप अभी कुछ भी ना लिखो, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नीचे बता रहा हूँ, मेन वर्ब्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना? मेन वर्ब्स, ठीक है? और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है? मेन वर्ब्स बहुत सारे हैं बेटा, बहुत 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 सारे, इसकी कोई गिनती काउंटिंग नहीं है। हम ईटीसी लिखता हूँ, ठीक है? नाउ प्ले, रीड, स्लीप, डांस, ईट, दीज ऑल आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, ठीक है ना? वेयर एज डू, डज, डिड, एम, वाज, एज, ईटीसी, जितने भी हैं हेल्पिंग वर्ब्स ये कहलाते हैं बेटा, ठीक है ना? हेल्पिंग, ये हेल्पिंग का मतलब ही क्या हो गया बेटा? हेल्पिंग मतलब वन हु हेल्प्स, वन हु हेल्प्स, जो हेल्प करता है, ठीक है ना? समझ रही हो? अब मेन वर्ब को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, मेन वर्ब्स के टाइप्स की, काइंड्स की अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? मेन वर्ब्स बेटा हैज बिन क्लासिफाइड इनटू फाइव फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में इसको बांटे गए हैं? फाइव फॉर्म्स होते हैं, इसके पांच रूप होते हैं। पहला रूप होता है, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड V1, सेकंड दैट इज V2, थर्ड V3, फोर्थ V4, फिफ्थ V5। तो मेन वर्ब के कितने रूप हो जाते हैं? फाइव। मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, कितने रूप हैं? फाइव फॉर्म्स हैं, वेरी गुड। अब ऐसा देखते हैं बेटा, इसके दो अलग अलग, V1 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। किसमें होता है ये? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये प्लूरल में होता है, प्रेजेंट किसमें होता है? टेंस प्लूरल, पास्ट इंडिकेटिव नेचर प्लूरल फॉर्म। टेंस पास्ट टेंस वेरी गुड। भी टू इट मीन्स पास्ट पास्ट टेंस, टेंस फ्यूचर टेंस भी थ्री इट मीन्स, भी क्या थ्री भी वन नेचुरल प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल फॉर्म, फ्यूचर भी टू टेंस पास्ट टेंस, फ्यूचर भी थ्री टेंस फ्यूचर टेंस नॉट पास्ट फ्यूचर टेंस पास्ट और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पास्ट पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल पास्ट टेंस पास्ट सर पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल V3 क्या हो गया बेटा? पास्ट पास्ट सर आप पार्टिसिपल। लिखने का टाइप अभी नहीं सुनो, फोर्थ, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का हाँ बेटा, लिखने का टाइम दूंगा, आप समझो यहाँ, ठीक है ना? V4 क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इट मीन्स मेन वर्ब 1 प्लस ING, ओके? V5 दैट इज आल्सो प्रेजेंट टेंस। यहाँ गौर करने की बात है, प्रेजेंट टेंस। लेकिन यहाँ V5 जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। किसमें होगा? सिंगुलर फॉर्म। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको बताया बेटा कि मेन वर्ब के फाइव फॉर्म्स होते हैं, पांच रूप होते हैं, ठीक है ना? कौन कौन सा पांच रूप है? V1, ठीक है,
उसको क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में होता है, B1 भी प्रेजेंट टेंस में होता है और B5 भी प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन ध्यान रखने की बात है, ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट बी केयरफुल, इस बात पे बिल्कुल ध्यान दो कि B1 भी प्रेजेंट टेंस में होता है, B5 भी प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। एंड द डिफरेंस इज दिस, दैट B1 इट इज इन प्लूरल फॉर्म, इट इज इन प्लूरल फॉर्म, इट मीन्स आप कह सकते हो कि वर्ब के जितने भी रूट वर्ब्स हैं, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो भी हैं, ये मैंने आपको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब्स अभी नीचे लिख करके बताए थे, प्ले, रीड, स्लीप, डांस, ईटीसी, दीज आर द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है ना। और ये रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होता है, B1 कहलाता है, और ये प्लूरल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है B5, जबकि सिंगुलर फॉर्म में होता है जब हम लोग मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एस या ईएस, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, फिफ्थ फॉर्म होगा और वो प्रेजेंट टेंस में होगा और सिंगुलर फॉर्म होगा उसका, इसको थोड़ा सा क्लियर करना। वर्ब का दूसरा रूप, पहला V1 प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस, V3 पास्ट पार्टिसिपल, ओके, V4 कॉन्टिन्यूअस, मीन्स वर्ब विथ ING, रूट फॉर्म जो वर्ब का होगा, ठीक है ना, उसमें जब ING लगाएंगे तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और V5 जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है बट इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज में आएगा, ये बात आप याद रखेंगे, टेंस में मैंने आपको साथ बताऊंगा आगे, ठीक है। ऑक्सिलियरी वर्ब, अब ये क्लियर हो गया पार्ट, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना। मेन वर्ब में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एनी नो डाउट सर, अपने दिमाग नो सर, में? नो सर, अभी कैन तक बी राइट वेट वेट, राइट, डोंट राइट डोंट राइट। अभी अभी हम लोगों ने किसको पढ़ा, मेन वर्ब को पढ़ा, ठीक है ना, टाइप्स को पढ़ा। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब को, किसके बारे में, किसको पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया बेटा कि हेल्पिंग का मतलब ही हो गया हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, ठीक ओके है। ये हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, अलग अलग टाइप के टेंसेज बनाने में, किसमें, टेंसेज बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले इसको देखते बेटा, इसके भी फाइव फॉर्म्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, फाइव फॉर्म्स। हंसराज बाबू बैठ के पढ़ो जी, हंसराज बैठ के पढ़ो, शैतान कोमल वो वीडियो ऑन कीजिए, सोच के पढ़ रहा है, जसकीरित सिंह वीडियो ऑन कीजिए, स्मृति भोली ऑन कीजिए बाबू। आ क्या बाबू ये कर रही थी कोमल कैची लेके, पढ़ाई एक बाबू की ये करते रहती हो। स्मृति वीडियो ऑन कीजिए, भोली सुरभि वीडियो ऑन कीजिए, आपको इधर उधर कुछ नहीं करना बाबू। है भाई सर, मैंने वो लास्ट वाला नहीं लिखा था, डाउन होते हैं मैं आपको टाइम दूंगा अभी, सर, हम लोग लास्ट वाला नहीं लिखे थे सर, लिखना है सर, ठीक हमने लास्ट वाला नहीं लिखा था सर। वर्ब के तो और भी काइंड्स होते हैं ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सर, कैन बी राइट, है, तो वो भी बताऊंगा अभी कैन क्लास में। बी राइट सर, कैन बी राइट
सर कुड बी राइट, नो सर भाई, कैन बी राइट, सर कैन बी राइट, नो वेट अ वाइल। ओके सर, फाइव, हेलो हेलो, आयुष पीछे क्या देख रहा है जी? आकांक्षा वीडियो ऑन कीजिए। ए सुरभि, भुवनेश्वर वीडियो ऑन करो। बोली सुरभि, अधिराज ऑन करो। बाबू अधिराज वीडियो ऑन कीजिए। Now we are discussing, now we are learning about helping verbs. ठीक है बेटा, helping verbs are of two types. Helping verbs are of two types. The first one is verb to be का form. Verb पे to be का form. किसका form बेटा? To be का form जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, वो भी ठीक है। डू डज डिड है ना, एम इज आर हैज हैव वाज वेयर हैड हैड बीन हैज हैव बीन, दीज ऑल आर कॉल्ड वर्ब टू बी का फॉर्म। ये सभी क्या है बेटा? वर्ब टू बी का फॉर्म है, याद रखेंगे। दूसरा टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलियरीज, ठीक है ना, और यू कैन से मॉडल्स, आपने मे कैन शुड है ना, वुड मे माइट है ना, आउट टू नीड टू डेयर, ऐसे वर्ड्स को सुना होगा। दीज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलियरीज एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड वर्ब टू बी का फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट एनी वन ऑफ यू? मैं एक नो बार, सर, ओके, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ बोर्ड को, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यूजर, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूज वी आर स्टडिंग, यूज के अनुसार जो है वो वर्ब्स के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है प्रिंसिपल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब के पांच फॉर्म्स होते हैं, फाइव फॉर्म्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? वी वन प्रेजेंट टेंस, वी टू पास्ट टेंस, वी थ्री पास्ट पार्टिसिपल, वी फोर्थ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वी फिफ्थ प्रेजेंट टेंस बट इन सिंगुलर फॉर्म। याद रखने की चीज है, एक बात ध्यान रखना बच्चों कि सभी वर्ब्स जो हैं, भी वन जितने भी हैं, रूट वर्ब्स जितने भी हैं, वो प्रेजेंट टेंस में हैं बट प्लूरल हैं, नॉट सिंगुलर। इसका लिख के सर सिंगुलर क्यों नहीं है, सिंगुलर क्यों नहीं? हाँ सिंगुलर इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि जब हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए भी वन में एस या ई एस ऐड करेंगे, सर ठीक है लिखे, ना, सर तो वो क्या हो जाएगा? भी फाइव हो जाएगा। अब आप लिखिए, लिखे क्यों अब आप लिखिए सकते हैं आपके लिए। सर? आप हर बार मेरे को म्यूट क्यों कर दे रहे हैं? स्टार्ट करिए लिखना और सर समझ सर बेटा, समझते हुए लिखेंगे, जहां किसी को कोई डाउट होगा वो यस क्लियर करेंगे। सर, सर सर आपने आपने वी तो म्यूट क्यों कर दिया? वर्ब वर्ब फोर फोर के के नीचे क्या नीचे क्या लिखा लिखा? है सर? आपने वर्ब ये फोर के नीचे क्या लिखा है? वर्ब आप मेरे फोर को हर कंटिन्यूस मिनट मिनट में सर म्यूट कर रहे हैं। लिखा है बेटा, कंटिन्यूस यानी कि मेन वर्ब में जब आईएनजी यस, ऐड तो उसके नीचे करेंगे तो आईएनजी आपने उसको उसमें ऐड करने के लिए जगह पर नहीं था उसलिए लगाया है, या उसके लिए बस ऐसे एग्जाम्पल? सपोज रीड यहाँ भी वन हुआ, ठीक है, रीड रेड रेड, रीडिंग रेड्स, ओके, प्ले सर प्लेइंग क्या सर, मेरे को प्लेड क्या है? प्लेइंग प्लेज, ठीक है।
अभी हम लोग और चर्चा सर करेंगे। हमने डू नमस्कार। डस्ट सर अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, हमने डू डस्ट से बच्चा लिखा है। देख रहा हूँ, फोटो खींच के भेज देते हैं। सर आपने डू डस के बाद क्या लिखा है? एम इज आर हैज हैव डिड वाज वर हैड हैड बीन हैज बीन। आकांक्षा वीडियो ऑन कर बाबू। ऐश्वर्य मोती कहाँ बाबू? ठीक ऐश्वर्य है सब। भुवनेश्वर देखो। कोमल बोली हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर हम डिपेंडेंस ऑल ऑफ कब पढ़ाएंगे? योर सारे बच्चों ने लिख लिए। नो ओके सर, ओके नो सर, सर मैं तो खास भी नहीं था। डन सर, डन सर। सर डन आपने डज के बाद क्या लिखा है? नो के बाद सर, बचा। ये एम है। वेट सर फ्यू मिनट, वेट फॉर फ्यू मिनट। ओके सर सर वेट फॉर डोंट रब द फ्यू मिनट। सेकेंड फॉर टाइप। ओके ओके सर 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 2 मिनट। सर वी कहाँ फोन में क्या लिखे हैं? कंटिन्यूअस पे बेटा? सर वी फोन सर बोलो साइड कॉन्टिन्यूस। सर साइड कॉन्टिन्यूस सर सर मैं बता दी समझा पर वीडियो पार्ट टू टू वीडियो पार्ट टू टू मंत्र रिलीज डेट मंत्र यस पहले रब दिस। सर। नो नो सर प्लीज रीड। सर। यस सर, नो यस सर। सर। आपने आप बाबू ग्रुप में भेज दिए हैं? जी ग्रुप में भेज दिए हैं। क्या किया है? लास्ट फेज ऑफ आर क्लास टुडे चिल्ड्रन। मैं एक बार आपको बता दूं मेन वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। सर इसको लिखना है। सर हाँ लिखेंगे, बट पहले समझो बेटा, बाद में लिखने का काम वो भेज दिया जाता है आपको, बाद में भी आप कर सकते हो। समझने का काम ज्यादा करो। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। अभी अभी मैंने बताया मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। फाइव फाइव फॉर्म्स होते फाइव हैं। वेरी वेल। तो बी वन क्या हो गया? प्रेजेंट सर किसमें हो गया? सर
प्रेजेंट क्रिया, टेंस, क्रिया प्लस प्रेजेंट टेंस, याद रखोगे? प्रेजेंट प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल, वेरी वेरी गुड। किस बच्चे ने सर बोला प्लूरल फॉर्म? बहुत अच्छा, प्लूरल फॉर्म। मैंने दूसरा बोला भी टू, पास्ट, सर पास्ट पास्ट टेंस, फॉर्म, वेरी गुड। पास्ट पास्ट टेंस में क्या टेंस, होता है? तीसरा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल, पी आर टी आई हम लिख सकते हैं इन पार्ट। बिफोर क्या हो गया? कंटीन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फिफ्थ फॉर्म लिसनिंग, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंगुलर टेंस। फिफ्थ फॉर्म कौन सा फॉर्म? फॉर्म, वेरी गुड। सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं, बस। ठीक है, अब देखते हैं बेटा वर्ब्स के। सपोज दिस इज वर्ब वन, दिस इज वर्ब वन, सेकंड फॉर्म इसका क्या होगा? पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म राइट का क्या होगा? राइट रोट। क्या रोड होगा? राइट रिटर्न। रोड, और उसके बाद रिटर्न, चौथा राइट रोड रिटर्न, राइटिंग फॉर्म क्या होगा? राइटिंग राइटिंग, वेरी राइटिंग वेल। पांचवा राइट क्या होगा? राइट्स, राइट राइट बॉय, राइट्स। सेकंड सेवीड स्लेप, सेकंड फॉर्म स्लेप स्लीप लेफ्ट। स्लीप स्लीप थर्ड फॉर्म स्लीप नॉट स्लीप स्लेप, स्लेप्ट। फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग स्लीपिंग। स्लीपिंग, फोर्थ फिफ्थ फॉर्म स्लीप्स फिफ्थ फॉर्म स्लीप स्लिप्स। स्लीप कीप, कीप फॉर्म कैप्टन, कैप्टन, फॉर्म कैप। कैप्टन, सर कीपिंग, एक बार कह कीपिंग, 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 लास्ट वर्ड डेमोन्स्ट्रेट। कीपिंग, डेमोंस्ट्रेटिंग, डेमोंस्ट्रेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटेड, अगेन इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोंस्ट्रेटेड, एंड फोर्थ फॉर्म डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोंस्ट्रेट थिंग्स, डेमोंस्ट्रेटिंग, 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 डेमोंस्ट्रेट, 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 इसको डेमोंस्ट्रेट, एडीसी, ये क्लियर है आपके माइंड में? यस सर, अब यस आपका सर, होमवर्क यहाँ है। यस सर, थैंक यू सर, ध्यान दो यहाँ। राइट राइट 70 वर्ब फॉर्म्स। आप मुझे B1, टेन B2, B3 करके भेजेंगे। डेली एवरीडे आपको 10 करने हैं। कितने करने हैं? 10 टेन करने हैं, ठीक है ना? और सैटरडे को मुझे इन टोटल 70 वर्ब फॉर्म्स आप मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। क्लियर? यस सर, पॉइंट। यस ओके okay. सर, लो मुझे तो इसका पार्ट ऑफ लिखिए बाबू, वर्ब अभी नहीं भेजे हैं। सर, राइट 70 वर्ड फॉर्म लिखा दीजिए, उसका अपने लिख के मतलब लाने वन टू थ्री तक ही जरूरी देखना है, या बाद में क्या फोर्थ है? फिफ्थ संस्कार देखना है। म्यूट कर बाबू, म्यूट करके रखो संस्कार। म्यूट करके रखो।
बहुत क्लियर है सबको? सर सारे वर्ब आपने भेजते हैं, आपने बोला था वर्ब 1 2 3 भेजते। डन सर, सर बैच ऑफ मॉर्निंग। बाय सर, बाय सर, अभी टाइम हुआ जी बाय सर के, कूटी देंगे पकड़ के शैतान सर बाय आप सर के। स्लेप्ट 2 बार दे लिख दिए। सर अच्छा आपने एक बार आप लोग लिख लीजिए। मंग फॉर्म पर कितना लोग करता सर जी? सर तो फिर V3 फॉर्म में क्या लिखेंगे? सर डेमोन्स्ट्रेट 2 बार लिख दिए सर। सर V1, V2, V3, V4, V5 डेमोन्स्ट्रेटिंग है बोला अंशराज। सर स्लैप्ट सर 2 बार लिखा गया, तो फिर V3 में क्या लिखेंगे? सर बेटा V3 उसका स्लैप थ्री होता है। डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेटिव एक वर्ड है सर, कोमल कहानी लिखनी V3 भूली। नहीं होता टू है वर्ड वर्ड घेतला INGEDEST जोडून नवीन वर्ड्स बनवले। तर लिख लिए जी, आगे पढ़ा जाए बाबू। बस लास्ट वाला भी दे दो। हाँ जल्दी लिख, जल्दी लिख लिख, लिखो जल्दी स्मृति। जल्दी लिखे सिमरन बाबू। सर ये होमवर्क में क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। राइट 70 वर्ब फॉर्म्स। वन बी टू सर ये बी थ्री ये जो है ना बेटा, बी वन इधर बी टू बी थ्री आपको लिखना है। ये तीनों फॉर्म्स तो 70, इट मींस एवरी डे भाई यू हैव टू राइट उनमें 10 एग्जांपल्स। रेस्टोरेंट देन सर कौन सा बस बी? B1 B2 B3 लिखना है। B4 B5 तो आपको पता हो गया कैसे बनता है। यस B4 ING ऐड करके, सर, और बी सर फाइव जो है एस और ई एस कौन ऐड करके। तो से पेपर क्वेश्चन में लिखना आपको है क्या सर? कौन से मतलब सर, एक ही या फिर अलग अलग? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। सर साइड प्लीज, साइड प्लीज, सर साइड प्लीज, पर नहीं होनी चाहिए। कार्तिक के आप कहाँ बाबू, कैमरा रोटेट करो जी। कार्तिक के बोला एलसी सर ग्रुप में राज भेज वीडियो ऑन कीजिए। शिवराज, शिवराज दीजिए वीडियो ऑन कीजिए। आप सर, ग्रुप में भेज दिए। भेज दिए ग्रुप में भेज दिए। ए कार्तिक के कहाँ गायब हो जी? कार्तिक के बाबू सर अभी ऑन करो बोली। चलिए सारे बच्चे लिख लिए, अब आगे पढ़िए। ठीक है पढ़ाइए सर। अब लिंक का टाइम 10 मिनट भी है जी। सर बंद किया। नेक्स्ट बाबू। थोड़ा ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव के बारे में बता दूं, ठीक है? आपने ग्रुप में सेंड किया था सर? हाँ जी सेंड कर दिए हैं। ठीक एडवांस ना सर, क्या सर लिखना है? सर हाँ लिखना है, लिखना है।
सर वैसे बॉक्स बना के लिखेंगे सर। मतलब यस यार पेन को अभी खत्म है। स्मृति वीडियो ऑन करो बोले ये सुरभि भुवनेश्वर वीडियो ऑन करो जी सुरभि फिर जसक्रीत कहा छटपटा रहा है बबू इधर उधर क्लास में आपको सिंसियर रहना बबू आपके लिए एक आदमी एक्स्ट्रा बैठे हुए रहते हैं। अथर्व तिवारी वीडियो ऑन कीजिए अथर्व तिवारी बबू वीडियो ऑन करो बोला सर मेरा मैथ में कितना नंबर आया था? 28 में आपका 28 आया था। ट्वेंटी 28। सर पापा जी के नंबर पे भेज दिया गया आप मेरा लोग को भेज कितना है? सर मेरा तो 40 और 40 आया था। अच्छा हल्ला नहीं तारे के गार्जियन के नंबर पे भेज दिया गया वहां से देख लीजिएगा। सर 34 सर अच्छा लेकिन ठीक जब दीदी जोड़ रही है तो 30 आ रहा है और आप अच्छा ठीक है 24 ठीक ठीक है कॉल कर बात नहीं फालतू का बात नहीं बोलो क्लास पे ध्यान दीजिए भी अभी की क्लास में बेटा हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है लिखना ना? आप इसको लिखना बाद में बेटा, पहले आप इसको समझो, ठीक है ना? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स के दूसरे फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को, ठीक है ना? आप अभी छोटे क्लास के बच्चे हो, आप इसको सिंपली ऐसे समझो बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ठीक है ना? इन शॉर्ट, शॉर्ट में बेटा ट्रांजिटिव विद एन ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। वैसे सेंटेंसेस, वैसे वर्ब्स जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और वैसे वर्ब्स जिनके ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वैसे वर्ब फॉर्म्स को हम लोग इनट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है ना? तो ट्रांजिटिव विद एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। मैंने अभी भी एक बोर्ड पे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, ये जो है किस बेस पे आता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? अब इसको गौर करेंगे और इसको क्लासिफाई करेंगे। पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं, सलोनी प्लेज विद हर पेट डॉग। ये सलोनी क्या है, सलोनी क्या है यहाँ, सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना? सब्जेक्ट वेरी वेल। अब बताओ बेटा ये प्लेज वर्ड जो है ये क्या है, वर्ब सर है। वेरी वर्ब गुड, वर्ब ये क्या है, वर्ब है। नाइस। अब आप ये बताइए कि वर्ब जो है ठीक इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है कि नो नहीं है। सर, नो सर नहीं है ऑब्जेक्ट, सर ये है वर्ब है। हर पेट डॉग क्या है, सर है बता दिया है। सर हेलो, वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है? तो इस वर्ब फॉर्म को हम लोग किस तरह का वर्ब फॉर्म कहेंगे, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? इसके बाद ट्रांजिटिव कहेंगे। सर अब थर्ड वाले को एग्जाम्पल को गौर करेंगे, ठीक है ना? थर्ड वन को देख रहे हैं हम लोग। थर्ड में मैंने क्या लिखा है, वी लाफ, सर वी लाफ।
इसमें कहीं इसमें क्या है? वी क्या है? व्हाट इज अब वी? क्या व्हाट इज बी? बी इज द सब्जेक्ट हो और लास्ट क्या है गया? बेटा? वर्ब है। सर मैंने एक अब बताओ बेटा, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई अर्थ ट्रांजिटिव नहीं? वर्ब हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बेटा, वी है नॉट। इसका कोई मीनिंग, इसका कोई सेंस निकल रहा है? कोई मीनिंग नो निकल रहा सर है? नो नहीं सर निकल रहा है। तो नो सर वैसे वर्ब इंट्रांजिटिव फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। अब सेकंड एग्जांपल को देखेंगे। पढ़ेगा वी प्ले चेस इन द इवनिंग। तो क्या है कर इसका? पाएंगे क्या क्या वो लिखने का घर क्या है है? वर्ब सर वर्ब है। अब चेस वर्ब के बाद हो जाएगा चेस ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सर ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव ये किस तरह का वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। अब चौथे में आ जाओ। दे प्ले। फोर्थ इंट्रांजिटिव एग्जांपल, दे प्ले। इंट्रांजिटिव अच्छा अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्यों ये फोर्थ वाला इंट्रांजिटिव है? तो सर क्योंकि उसमें वेरी ऑब्जेक्ट नहीं गुड, है ऑब्जेक्ट होगा वेरी गुड, और वर्ब ट्रांजिटिव ही विद एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट। सर क्लियर? बिकॉज ऑफ इट यस इज इंट्रांजिटिव यस, नाउ यू कैन नोट डाउन। ओके डन सर बोले अंजय पटेल, क्या खा रही माय है? क्या वर्क इज खा रही है डन वो? सर माय वर्क अंजय पटेल, क्या खान पीन कर रही इज है? खाने डन में सर बिजी हो गया अंजय पटेल? सर जान सर जान मैदान पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वेरी जान तो गुड, ठीक ठीक है। आप लोग जाइए बाबू, जाइए आप लोग, अब जाइए। बाय सर बाय 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 बाबू, सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय थैंक यू सर डाउट है बोली सिमरन बाबू, तो 1 बजे चल आइएगा। थोड़ा अभी 12 से 1 पढ़ाएंगे ना सर, या क्या डाउट है सिमरन? बोलो बोली। सर मैं शवि अच्छा वैष्णवी, क्या डाउट है? सर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीकेट प्रेडिकेट कल में एग्जाम है इसमें डाउट है मेरे को भाई तो क्या डाउट है बोलिए ना। भारवाब सर सर ये मेरे को समझ नहीं आया है डॉक्टर कौन सा चैप्टर? वो आपको कहिए सर उसको कि वो बच्चा जो है वो चैप्टर आपके नंबर साहब पर सेंड कर दे। क्या चैप्टर का नाम, के टॉपिक का नाम क्या बोले वैष्णवी? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीकेट प्रेडिकेशन अच्छा, ये वाला पार्ट ही तो है बेटा जिसमें कोई प्रेडिकेट नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंस होता है। आप मुझे वो वाला चैप्टर सर के नंबर पे सेंड कर दो क्विक। बाय सर ठीक है एक मुझे बता दें, भेज दीजिए बोले। ठीक सर बाय है बाबू, बाय सर बाय सर बाय बाबू, भेज के 1 बजे आ जाइएगा। आप बोलो बोलिए, ठीक है संस्कृति सर एग्जाम है कल जी? अच्छा ठीक है बोलिए। ठीक है सिमरन बोली, जाइए आप लोग, अब एडवांस इंग्लिश क्लास होगा जी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वॉइस पढ़ रहे थे।